नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया और आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। बांदा में संदिग्ध परिस्थितियों के चलते व्यक्ति ने गोली मारकर खुदकुशी कर ली। वही घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने व्यक्ति के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। व्यक्ति की मौत के बाद से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। आपको बता दें कि मामला नरेनी कोतवाली क्षेत्र के शंकर बाजार के सामने का है, जहां पर एक व्यक्ति ने खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली है। पुलिस की जानकारी के मुताबिक प्रथम दृष्टया व्यक्ति का अपनी पत्नी से 4 से 5 साल में आपसी विवाद चल रहा था, जिसके चलते व्यक्ति ने संदिग्ध परिस्थितियों में गोली मारकर खुदकुशी कर ली है। वही घटना की जानकारी के बाद मौके पर पुलिस के आला अधिकारी पहुंचे हुए हैं। पुलिस ने शव को कब्जे में भी ले लिया है, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, साथ ही साथ इस पूरे मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। थाना नरेंद्र शंकर बाजार में एक व्यक्ति जिसका नाम शहीद था, सूचना मिली लगभग 11:30 बजे पुलिस को कि संदिग्ध परिस्थिति में उसमें उसको गोली लगी है। उस पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची है और उसको अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उसको मृत घोषित कर दिया है। घटना प्रथम दृष्टया आत्महत्या का लगता है। इसमें मृतक का पत्नी से विवाद चल रहा था, लगभग 5 से 6 वर्ष से वो अलग रह रही थी, मुकदमा भी चल रहा था। इसमें पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है, जो भी इसमें साक्ष्य आएगा तो अनुसार इसमें लगानी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। वही बागकत के जंगलों में 15 फीट लंबा अजगर निकला है। स्थानीय लोगों ने अजगर का रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ दिया। रेस्क्यू का लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दादरी गांव के जंगल का ये वायरल वीडियो बताया जा रहा है। हरदोई जिले में मानसून की आधा घंटा तेज बारिश के चलते जहां लोगों को भारी गर्मी से राहत मिली है, तो वहीं जलभराव के चलते शहर की सड़कें तालाब में तब्दील हो गई। आलम यह है कि शहर की सड़कों से लेकर सरकारी दफ्तरों के आसपास सब पानी पानी नजर आता है। कलेक्ट्रेट और एसपी ऑफिस के अलावा कचहरी में वाटर लॉगिंग ऐसी हुई कि नजारा तालाब जैसा नजर आया। लोगों को कलेक्ट्रेट और कचहरी आना मुसीबतों का सबब बन गया। वही अधिकारियों के आवास भी पानी से लबालब नजर आए हैं। प्रशासन का दावा है कि सभी अधिकारियों को वाटर लॉगिंग से निपटने के निर्देश दिए जा चुके हैं। तो सब पूरी हर जगह पानी ही पानी भरा हुआ है, सारे जूता मोजा और पूरा जो है, कहीं ऐसी जगह नहीं जिस गली से निकला जाए, सब जगह पानी भरा हुआ है। बारिश हुई और अभी हम लोगों ने क्षेत्र का जायजा लिया है, खास करके कलेक्ट्रेट के एरिया में, आवास विकास साइड में जो न्यू गेस्ट हाउस और उसके बगल में जो कॉलोनिया है वहाँ पर जल भरा हुआ है। नगर पालिका की टीम तैयार की जा रही है, जिसमें पंप लगा करके ड्रेन आउट करेंगे और जो शीर्ष प्राथमिकता ये रहेगी कि जैसे ही जो हमारे ड्रेन है, जो नालियां हैं, इनको एक बार फिर से पुनः युद्ध स्तर पर साफ सफाई कराया जाए। वही अलीगढ़ के थाना टपल क्षेत्र में दबंग लोगों के घर पर मजदूरी के 400 रुपए मांगना महिला को भारी पड़ गया। दबंग लोगों ने महिला से घर पर छेड़खानी की। दबंग लोगों ने महिला को रास्ते में गिरा गिरा कर पीटा है, जिसका सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि पीड़ित परिवार ने दबंग लोगों के खिलाफ थाने में तहरीर दी है। अलीगढ़ की तस्वीरें जहां पर एक पीड़ित महिला को जमकर दबंगों ने पीटा है। दरअसल उसे मजदूरी के पैसे मांगना भारी पड़ गया। पहले उसके साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की, इसके बाद उसे यहां पर दौड़ा दौड़ाकर और कीचड़ में गिराकर जमकर पीटा गया है, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। लड़का को लेकर तय करके 400 पे और 400 के बाद वो 250 रुपया पकड़ा रहा हूँ। हम लड़का को हमें 400 दे रहे हैं ना, 250 दे रहे हैं, तो हम लेके गए पैसा, बाग घर में ही गए हम। घर में तो बने कहीं हमने जिस रुपया पकड़ो 400 रुपया लेंगे हम, 250 काय को लें, तुम 250 का 400 के लेंगे, 250 दे रहे हो। वो रुपया हम दे आए फेंक दे, हमने ले अपने रुपया हमें ना चाहिए, मैं जेब तो भरो है जाइए, हमें ना चाहिए तेरे रुपया, हमें देवे तो 400 दियो और ना दियो मत। इतने पे बन गई ऐसे घूसा मारो छाती पे को, मैं बोली मैं तो दूर रही हूँ, मैं तो छाती तो जनानी को हाथ तो है, जनानी तो बोलना होना चाहिए, मैं जो बात कही बात है। इतने पे तो फिर लिखाते मार के फिर बाहर को ले आओ, फिर रोड पे डाल के मारो माने तो तीन लात मूसा बजा रहा। कांवड़ मेले के दौरान शिव की भक्ति का अनोखा रूप देखने को मिलता है, जहां एक और लाखों कांवड़ियों का रैला हरिद्वार से जल उठाकर अपने अपने गंतव्य की ओर जाता दिखाई पड़ रहा है। तो वहीं चारों ओर शिव शक्ति की गूंज ही गूंज सुनाई पड़ती है। शिव शंकर के इस पावन मेले में उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में एक दिव्यांग भोला भी हरिद्वार से जल लेकर दिल्ली की ओर
जाता नजर आया। इस दिव्यांग कावड़ी को देखकर ये साफ नजर आता है कि किस तरह दिव्यांगता पर शिव की भक्ति भारी है। आपको बता दें कि मथुरा निवासी लाखन सिंह नाम का दिव्यांग भोला हरिद्वार से गंगाजल भरकर दिल्ली कावड़ लेकर जा रहा है। दिव्यांग भोले लाखन से जब बातचीत की तो पता चला कि पिछले 14 सालों से शिव की भक्ति में लीन होकर कांवड़ ला रहा है। रोजाना 20 से 22 किलोमीटर चलकर दिव्यांग भोला अपनी यात्रा पूरी कर रहा है। क्या नाम बोला? बोले क्या नाम है आपका? लाखन सिंह। कहाँ से आप आ रहे हैं, कहाँ जाएंगे? हरिद्वार हर की पैड़ी गऊ घाट जाएंगे दिल्ली। कौन सी कांवड़ लेके आए हो आप आज? 14वीं बोले पिट्ठू बैग है। आप विकलांग होने के बावजूद भी आप कावड़ लेकर आ रहे हो, क्या कहना चाहेंगे? कितने किलोमीटर आप चल रहे हैं रोज? ये 20-22 20-22 किलोमीटर। कितने लोगों की टीम है आपकी? 17 हैं। 17 लोग टीम नहीं बैठ तो बोलो कुछ नहीं, थोड़ा बस कामों में प्रॉब्लम है भाई, सब कुछ नहीं सब अच्छा चल रहा है। जैसे कि आप विकलांग हैं, इतना लंबा सफर आप तय करेंगे, क्या कहना चाहेंगे? नहीं कुछ नहीं बोले, ये तो भोले बाबा की इच्छा है, माँ बाप है नहीं। माँ बाप नहीं है? नहीं है। रहने वाले कहाँ का? ब्रज मथुरा। कहाँ से आपको, कहाँ से आपकी इच्छा हुई कि मैं भी कावड़ लेकर आऊँ? यहाँ से हमारे पिताजी और माँ खत्म होगी, जब से इच्छा हुई थी। पहले भी लेकर आएगा? हाँ 14वीं बार लेके जा रहा हूँ। बोले 14वीं बार लेके जा रहा हूँ। हाँ जी बोला। किस तरह की कावड़ है आपकी? पिट्ठू बैग है। किसी तरह का संदेश देना चाहेंगे? नहीं भोले बाबा की वो है, बोले सबके लिए यही कहूँगा कि सब आए भोले बाबा के यहाँ। क्या मनोकामना थी? मनोकामना इच्छा तो बोले जी मैंने कुछ नहीं मांगा, मैंने कुछ नहीं मांगा बोले। पुरानी पेंशन बहाली मांगों को लेकर कानपुर में कर्मचारी शिक्षक संयुक्त मोर्चा उत्तर प्रदेश के आह्वान पर प्रदेश के राज्य कर्मचारी और शिक्षकों द्वारा प्रदेश के समस्त जनपदों में मोटरसाइकिल जुलूस निकालकर जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिए जाने के निर्णय पर लाला लाजपत राय अस्पताल से सभी ने इकट्ठा होकर सैकड़ों की संख्या में मोटरसाइकिल जुलूस निकालकर चुन्नीगंज बस अड्डे पर जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन दिया है। मोर्चिक पदाधिकारी ने बताया कि लगातार शासन में पत्राचार और वार्ता के माध्यम से मांगों के समाधान का अनुरोध करने के बाद भी कोई सार्थक निर्णय नहीं लिया गया। इसके बाद मोर्चा द्वारा 18 मई 2023 को प्रदेश भर शिक्षक कर्मचारी धरना देकर मुख्यमंत्री को ज्ञापन प्रेषित किया था, लेकिन मांगों का समाधान नहीं हो पाया, इसलिए दोबारा से ये रैली निकाली गई है। आप लोग से तो पहले हम करें कि चुन्नीगंज में प्रशासन के लोग खड़े होकर इंतजार कर रहे होंगे। आप लोगों को मालूम है कि स्थानांतरण नीति 2023 में जो पैरा 12 है उसमें जो है संघ संगठनों का जो है हनन किया गया है। हमारी मांग है कि पूर्ववत उसको जो है कर दिया जाए। इसके बाद जो 7 सूत्री पुरानी पेंशन बहाली वेतन विसंगतियां तमाम मांगे हैं वो हमारी जो है उस पर वार्ता करके उसका निराकरण समाधान कराया जाए। हमारे साथ रोडवेज है, निकाय है, सारे शिक्षक हैं, हमारे उर्सला के स्वास्थ्य हैं, रोडवेज कर्मचारी हैं, सिंचाई विभाग है, पीडब्ल्यूडी के पीडब्ल्यूडी है, ये सारे विभाग हैं, ये सारे विभागों का कर्मचारी शिक्षक, राज्य कर्मचारी शिक्षक। ये हम तो समझ रहे हैं कि 4-5 साल हो गया, 4-5 साल हो गया, एकदम पिछली सरकार में भी हम लोग चिल्लाते रहे कुछ नहीं हुआ, अब नए तरीके से आई है सरकार तब से भी हम लोग चिल्ला रहे हैं, संवादहीनता बनी हुई है। मुजफ्फरनगर पुलिस और एसएसजी की टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए मुखबिर की सूचना पर भजेरी अंडरपास के पास से 9 अंतर्राज्यीय छात्र चोरों को गिरफ्तार किया है, जिनकी निशानदेही पर पुलिस ने रुड़की रोड स्थित एक पुराने खंडहर से 14 रॉयल एनफील्ड बुलेट, 4 लग्जरी कारें, 3 अवैध तमंचा कारतूस और कुछ फर्जी डॉक्यूमेंट्स भी बरामद किए हैं। दरअसल आपको बता दें कि मंगलवार को सिविल लाइन थाना पुलिस और एसएसजी की टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए मुखबिर की सूचना पर भजेड़ी अंडरपास के पास से 9 शातिर चोर अमित बंसल, सुमित बंसल, मारूफ खान, रेशु, दिलशाद, जावेद, ताजिम, मुशर्रफ और मुनिर को गिरफ्तार किया है, जिनकी निशानदेही पर टीम ने रुड़की रोड स्थित एक पुराने खंडहर से तमाम चीजें बरामद की। सारी गाड़ियां एनसीआर क्षेत्र की है। सर जो बताया जा रहा है कि ये फर्जी कागजात बनाते थे, उनके खिलाफ किस तरह की कार्रवाई की जा रही है? देखिए जो वो गैंग है जो हमारी गिरफ्त से बाहर है, जो गाड़ियां चोरी करके इनके कागजात बना रहा है, इन पे गंभीर धाराओं में मुकदमा लिखा जाएगा। इन सब में जो हमने अभी मुकदमा लिखा है उसमें फ्रॉडजरी सारी चीज़ें इन्वॉल्व है, 10 साल से ऊपर की सज़ा है। चोरियाँ तो हैं ही, चोरी उस अपराध में मैं कहूँगा कि रिलेटिवली
छोटा अपराध हुआ, क्योंकि फॉर्जरी और फ्रॉड्स के ज़्यादा गंभीर मुकदमे इनको झेलने पड़ेंगे। जी ठीक है। रायवाला क्षेत्र में भी दो दिन से लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से गंगा सौंग, सुसवा और मोतीचूर की सूखी नदियां उफान पर हैं। सुसवा और सूखी नदी का पानी लोगों के घरों में घुस आया है। वहीं सौंग नदी के उफान पर होने से गोहरी माफी के ग्रामीण दहशत में रात बिताने को मजबूर हो रहे हैं। रायवाला क्षेत्र में दो दिन से लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से नदियां नाले उफान पर हैं। ऐसे में तमाम लोग ऐसे हैं जो पूरी तरीके से परेशान हैं, जिनके खेतों में, जिनके घरों में पूरी तरह से पानी घुस चुका है। पौड़ी में हो रही भारी बारिश के चलते कई मोटर मार्गों पर बड़े बड़े बोल्डर और मलबा आने से मोटर मार्ग अवरुद्ध हो गए, जिनके खोलने के प्रशासन द्वारा निर्देश जारी किए गए हैं। वहीं जिलाधिकारी पौड़ी डॉक्टर आशीष चौहान ने खुद कई इलाकों का निरीक्षण किया। पौड़ी श्रीनगर मोटर मार्ग पर भारी बारिश से मल्ली के पास मलबा आने से मोटर मार्ग अवरुद्ध हो गया है। करीब 2 घंटे बाद इस मोटर मार्ग को आवाजाही के लिए खोला गया है। वहीं डीएम ने भी खुद मौके पर पहुंचकर जाम में फंसे लोगों से वार्ता की, साथ ही अपने सामने ही बंद पड़े मोटर मार्ग को जेसीबी की मदद से खुलवाया है। इसके बाद डीएम द्वारा श्रीनगर पहुंचकर बंद हो रहे रास्ते का निरीक्षण किया। उन्होंने एसडीएम को निर्देशित किया है कि भारी बारिश के चलते जो भी मोटर मार्ग बंद हो रहे हैं तुरंत जेसीबी की मदद से उन्हें खोला जाए। संबंध में मैंने पुलिस को भी ये निर्देश दिए हैं कि यहाँ पर ट्रैफिक को रेगुलेट किया जाना है और यात्रियों के आवागमन को सख्ती से रोका जाना है, क्योंकि पैदल आने वाले किसी भी व्यक्ति पर पत्थर गिरने के कारण उनकी जान की क्षति हो सकती है। तो इस कारण से मेरी तरफ से निर्देश दिए जा रहे हैं कि इसे सख्ती से कंट्रोल किया जाए। रिपोर्ट थी लगभग 22 रोड्स हमारी बंद थी और वो सारी खुलने की कंडीशन में थी, आज ही खुल जाएंगी और मैं इसको कंटिन्यूसली खुद भी मॉनिटर कर रहा हूँ। शिरोबगढ़ हमारा मेन कॉज ऑफ कंसर्न रहता है, तो अभी सुबह से उसे बार बार खोला गया और गाड़ियों को पास करवाया गया, वर्तमान में बंद है और जैसे ही बारिश थोड़ा रुकती है तो हम लोग उसे वापस से रोड ओपनिंग देके ट्रैफिक शुरू करेंगे। और एक बड़ी खबर जिले के देवाल ब्लॉक से है, जहां कांग्रेसियों ने भारी बारिश के बीच सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया, मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया है। दरअसल कुछ दिनों से मीडिया और सोशल मीडिया के देवाल ब्लॉक में ब्लॉक प्रमुख के द्वारा मुख्यमंत्री के नाम से एक सड़क निर्माण करने वाली सरकारी संस्था से अवैध रूप से रुपए मांगने का मामले ने तूल पकड़ा हुआ है। इस संबंध में सड़क निर्माण संस्था द्वारा ब्लॉक प्रमुख के खिलाफ थाने में तहरीर देकर मुकदमा भी दर्ज करा लिया गया है और पुलिस इसमें जांच में भी जुटी हुई है। इसी बीच देवाल में भारी बारिश के बीच कांग्रेसी नारेबाजी करते हुए सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे और उन्होंने मुख्यमंत्री का पुतला भी जलाया। द्वारा मुख्यमंत्री जी का पुतला दहन किया गया, बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा अवैध रूप से वसूली की जा रही है तथा कर्मचारियों का उत्पीड़न किया जा रहा है, जिसको देखते हुए आज हमने मुख्यमंत्री जी का पुतला दहन किया। मुख्यमंत्री जी को इस विषय पर ध्यान लेना चाहिए, नहीं तो पद से इस्तीफा देना चाहिए। कांग्रेस कमेटी के द्वारा जो मुख्यमंत्री जी का पुतला फूंका गया, क्योंकि उनके नाम पर भाजपा के कार्यकर्ताओं द्वारा अवैध रूप से वसूली की जा रही है, जो कि सरासर गलत है। और अगर मुख्यमंत्री जी इन पर रोक नहीं लगा पा रहे हैं तो मुख्यमंत्री जी को भी यथाशीघ्र इस्तीफा दे देना चाहिए। कानपुर में जाजमऊ थाने के अंतर्गत कानपुर के जाजमऊ स्थित हाशमी रोड नई बस्ती में बच्चों के विवाद में गोली चली है, जिससे गंभीर रूप से एक युवक घायल हो गया। आपको बता दें कि सगीर अहमद नाम के व्यक्ति को गोली लगी है, गोली लगने से उसके हाथ में गंभीर चोट आई है। बताया जा रहा है कि बच्चों के खेलने को लेकर आरोपी अर्शी ने गोली चलाई है। मौके पर पहुंचे जाजमऊ थाने की फोर्स, पीड़ित सागिर अहमद को काशीराम मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। वहीं आपको बता दें कि केमिकल का काम करने वाला अर्शी ने लाइसेंसी राइफल से गोली चलाई है। फायरिंग के बाद आरोपी अर्शी मौके से फरार है। आज जाजमऊ थाना क्षेत्र के डिफेंस कॉलोनी में सगीर नामक व्यक्ति का बच्चा अर्शी नामक व्यक्ति के मकान के ठीक बगल में उनके रखे हुए बालू पर खेल रहा था, जिसको अर्शी ने बच्चे को मना किया तो बच्चे ने कुछ प्रतिवाद किया। इस बात पर उन्होंने बच्चे को 4-5 झप्पड़ मार दिया। फिर इसके बाद सगीर आ करके इस बात का विरोध किया तो अर्शी ने अपनी लाइसेंसी बंदूक से निकाल के उसको गोली मार दिया।
बच्चे को उसको सगीर को गोली लगी है जिसको अस्पताल भेज दिया गया, इलाज चल रहा है। आरसी के खिलाफ धारा 307 IPC और 7CL एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत कर कार्रवाई की जा रही है। क्या नाम है? अब मेरा नाम वसीम। क्या घटना हुई, कहां बोली थी? साहब हम नई बस्ती हाथमी रोड पर रहते हैं और हम साहब फैक्ट्री से आ रहे थे काम पर से लौट के, तो साहब देखा बच्चा मेरा खेल रहा था घर के पास, जब वो रो रहा था हमने उसे बुलाया, हमने बेटा क्या हुआ, तो पता चला वो जो है अंकल ने अर्थी ने बच्चों को मेरे डांट के भगाया और उसकी लात मारी। ग्यारह जुलाई मंगलवार को तमिलनाडु के महाबलीपुरम में आयोजित दो दिवसीय नेशनल केसरी डेवलपमेंट एडवाइजरी कमेटी की बैठक में प्रदेश सरकार में मत्स्य मंत्री डॉक्टर संजय कुमार निषाद ने प्रतिभाग किया। वहीं निषाद ने बताया कि राष्ट्रीय मछुआ दिवस के दूसरे समापन के दिन केंद्रीय मत्स्य एवं पशुपालन मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने राष्ट्रीय स्तर पर मछुआरों तथा मत्स्य पालन और उद्योग क्षेत्र से जुड़े लोगों की बेहतरी के लिए नेशनल केसरी डेवलपमेंट एडवाइजरी कमेटी केंद्रीय मत्स्य राज्य मंत्री डॉक्टर मुर्गन की अध्यक्षता में कई राज्यों के मत्स्य मंत्रियों के सदस्यों की टीम के नाम को लेते हुए अपने वक्तव्य में कहा कि सभी प्रदेशों के मंत्रियों और अधिकारियों के द्वारा कहे गए समस्याओं सुझावों को अमलीजामा पहनाने में मददगार साबित होगा। उनके द्वारा सदस्यों के लिए गए नामों में पंजाब के मत्स्य मंत्री माननीय गुरमीत सिंह गुड़िया, आंध्र प्रदेश के मत्स्य मंत्री डॉक्टर शिवजी अपलारजा, गुजरात के मत्स्य मंत्री राघव जी पटेल और उत्तर प्रदेश के मत्स्य मंत्री डॉक्टर संजय कुमार निषाद के साथ अन्य नाम और भविष्य बढ़ाए जाने का क्रिया किया है। आगे कहा कि डॉक्टर निषाद ने उत्तर प्रदेश के मत्स्य किसानों के जमीनी स्तर पर समस्याओं की हकीकत में जो जानकारी दी है उन समस्याओं के समाधान जल्द पूरे कर लिए जाएंगे। कानपुर में दरवाजे पर कूड़ा फेंकने को लेकर हुए विवाद के बाद पुलिस ने मुकदमा तो दर्ज कर लिया लेकिन बयान नहीं लिया। पीड़ित ने हनुमंत विहार पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इस मामले को लेकर पीड़ित ने पुलिस कमिश्नर कार्यालय में प्रार्थना पत्र दिया है। हनुमंत विहार थाने में बयान दर्ज कराने के लिए कमिश्नर से गुजारिश की है। हनुमंत विहार थाना क्षेत्र के बीनगवा में रहने वाले देवानंद ने बताया कि पड़ोसी देवेंद्र सिंह चौहान, उनकी पत्नी शीला और बेटे अभय ने दरवाजे पर कूड़ा डाल दिया था जिसको लेकर झगड़ा हुआ, मारपीट हुई। देवानंद ने पड़ोसी के खिलाफ हनुमंत विहार थाने में मुकदमा दर्ज कराया है लेकिन विवेचक ने अभी तक इस मामले में बयान नहीं दर्ज कराया है, जबकि बयान दर्ज न होने की वजह से आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। आरोपी ने पूरे परिवार को जाति सूचक गालियां भी दी है लेकिन कोई जिक्र इसका नहीं है। कहां रहती हैं आप, क्या समस्या है आपकी? हमारी समस्या ये है कि कूड़ा के पीछे लड़ाई हुई थी, वो मेरे दरवाजे कूड़ा लगाती हैं। तो क्यों लगाती हो, ठाकुर हो तो अपने लिए हो ना। हम हरजन है तो मेरे दरवाजे क्यों कूड़ा लगा, हम हरजन है तो क्या तुम्हारे कूड़ा फेंकेंगे क्या? फिर उसने हमारे पीछे से उसका आदमी ने राट मार दिया, फिर पकड़ के मुझे अंदर ले गया, उसकी लड़का भी मारा, उसकी पत्नी भी मारा। 12 टाके लगे मेरा वहाँ हनुमंत बिहार में, कोई भी नहीं सुनवाई भाई, न गौशाला जाते थे तो वो कह रहे थे वो कहते क्या तुझको फांसी लगी है क्या? वहीं झांसी बबुरानीपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आए हुए मरीजों के तीमारदारों के द्वारा अस्पताल की अव्यवस्थाओं को लेकर वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिए गए हैं। वायरल वीडियो में बताया गया है कि सरकार के द्वारा मरीजों और तीमारदारों के लिए जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उनका कितना लाभ लोगों तक पहुंच रहा है, साथ ही डिलीवरी के नाम पर भी मरीजों से पैसे लिए जाते हैं। तो वहीं स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर भी वायरल वीडियो में कई तरह के सवाल खड़े किए हैं। वही झांसी में RTO ऑफिस के सामने धारदार हथियार से हमला कर पैसे लेकर लुटेरा फरार हो गया। पीड़ित ने गल्ला मंडी चौकी को लेकर शिकायत देकर इसकी सूचना दी है। घटना को अंजाम देकर लुटेरा अपनी मोटरसाइकिल को घटनास्थल पर छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने मोटरसाइकिल को अपने कब्जे में लेकर चौकी में खड़ा कर दिया है। एटम में एक युवती के अपहरण का मुकदमा उसके पिता और भाई पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल युवती ने अपने ही गांव के एक युवक से प्रेम संबंध चलाया था और युवती उस युवक से शादी करने का दबाव अपने घर वालों पर बना रही थी जिससे युवती के घर वाले नाराज हो गए। इस पूरे मामले में पुलिस को ऑनर किलिंग की आशंका है और इसके चलते पुलिस युवती के शव को नदी में लगातार खोज रही है। फिलहाल उसका अब तक पता नहीं चल पाया है लेकिन पिता और पुत्र को गिरफ्तार जरूर कर लिया गया है। ये थाना में रहची अंतर्गत ग्राम नंगला श्याम में ग्राम पहरी द्वारा सूचना दी गई कि एक युवती को उसके माता पिता द्वारा जो है मारपीट कर नहर में डाल दिया गया है। इस सूचना पे अभियोग पंजीकृत किया गया है तथा युवती की डेड बॉडी की तलाश की जा रही है और इसमें आवश्यक वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है।
मेरा नाम रमेश। रमेश जी आप यहाँ चौकीदार हैं गाँव के? हम चौकीदार हैं सर। एक लड़की गायब हो गई है, बताया जा रहा है उसकी हत्या कर दी है। जो लड़की गायब हो गई उसकी हत्या हो गई और ब्रह्म सिंह की छोरी है। तो आगे क्या क्या सप्ताह के बाद निचला होने दैदी थाने में होने ये ऐसा बात है सर, फिर हमारे ऊपर कोई आ जाए कार्रवाई। हम चौकीदार हैं, तुम्हारे जो सूचना दे दी। पहले भी लड़की गई? हाँ पहले लड़की गम में थी, वह थाने गई थी, थाने तक फिर यहीं आ गई। बाकी लिखा पढ़न तो हो गई, जिम्मेदारी पूरी दे दी थाने में। फैसला राजीनामा? हाँ राजीनामा। इस लड़के के साथ चली गई थी घर? नहीं लड़के के साथ नहीं गई थी, यहीं थी गम में। करौट के क्षेत्र में दिनों चावल की अवैध कालाबाजारी बड़े जोरों पर की जा रही है। जहां प्रदेश सरकार निःशुल्क राशन वितरण का काम कर रही है, तो वहीं चावल माफिया बड़े पैमाने पर खरीद फरोख्त के काम में लगे हुए हैं। गरीब के मुंह का निवाला छीनकर अपनी जेब भरने में लगे हुए हैं। ऐसा नहीं कि तहसील प्रशासन को इसकी भनक ना हो, इसके बावजूद भी प्रशासन कुंभकर्णी की नींद सोया हुआ है। रात के समय माफिया द्वारा पिकअप लोडरों से चावल उठाने का काम जोरों पर किया जा रहा है। मामला रात को सामने आया, जब मीडिया को इस बात की भनक लगी तो मौके पर पहुंचे मीडिया के पूछने पर चावल माफिया खुद चावल खरीदने की बात कबूल रहा है। अब देखना यह है कि प्रशासन चावल माफियाओं के खिलाफ क्या काम करता है। झांसी में पीड़ित ने बताया कि वो अपनी मोटरसाइकिल से गांव के समीप समथर वरनाया संपर्क मार्ग पर स्थित खेत पर गया हुआ था। खेत अंदर होने की वजह से मोटरसाइकिल को मेन रोड पर ही खड़ा करना पड़ा। जैसे ही पीड़ित अपने खेत पर पहुंचा, तभी समथर तरफ से एक मोटरसाइकिल पर सवार दो युवक आए और एक युवक द्वारा उसकी मोटरसाइकिल को स्टार्ट कर दोनों युवक भाग निकले। वहीं पीड़ित ने बताया कि एक पैर कमजोर होने की वजह से जब तक वो मेन रोड पर पहुंचा तब तक युवक भाग निकले थे। तभी पीड़ित घर पहुंचने के बाद दूसरी मोटरसाइकिल से मध्य प्रदेश में स्थित भांडेरा तक पीछा करने लगा, लेकिन वो पकड़ में नहीं आए। जिसके बाद पीड़ित शिकायती पत्र लेकर समथर थाने पहुंचा, जहां थाना प्रभारी ने शिकायती पत्र मिलते ही आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। हम अपने खेत पर रोड पर मतलब मोटरसाइकिल रख के अपने खेत में चले गए, तो दो लोग समथर की तरफ से गए और एक लोग वहाँ उतरे, तो हमने दूर से देखा। जब तक वो हमारी मतलब दूसरी चाबी मिला करके फर्जी चाबी मिला करके हमारी बाइक लेकर के चले गए। हमने आवाज़ दी लेकिन उन्हें नहीं सुना। फिर हम घर गए, घर से दूसरी मोटरसाइकिल उठा करके उनका पीछा किया, लेकिन वो काफ़ी आगे निकल चुके, हम वो हमको मिल नहीं पाए। मैंने भांडर तक देखा उन लोगों को। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।